उनके टी शर्ट पे है जेठालाल। अभी आप जेठालाल के फैन हो, ये देखिए इनके मोबाइल पे भी उनकी ही फोटो है। ये जेठा फाफड़ा और दया, क्या दया खांडवी, दया खांडवी और बबीता जी, कौन सा जलेबी सबसे मीठी। तो भाई साहब सबसे मीठी बबीता जी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आमची मुंबई। आज हम आया है रामानुज फाफड़ा वाला नागपुर में। और हाँ भाई साहब, ये जेठालाल जी के बहुत बड़े फैन है, जैसे आप इनके टी शर्ट पे देख सकते हो। ये देखिए आप इनकी टी शर्ट देख सकते हो, इनके टी शर्ट पे है जेठालाल। अभी आप जेठालाल के फैन हो, ये देखिए इनके मोबाइल पे भी उनकी ही फोटो है। ये देखिए भैया टोटल फैन है जेठालाल जी के। ये देखिए इनके बैक में भी है और फ्रंट में तो आपने देखी ही है। मोबाइल कवर से लेकर हर एक चीज में इनके पास जेठालाल जी है। ये जेठा पकड़ी है, बबीता जी है। ये जेठा फाफड़ा और दया, क्या दया खांडवी, दया खांडवी और बबीता जी, कौन सा जलेबी सबसे मीठी। तो भाई साहब सबसे मीठी बबीता जी। तारक मेहता, और ये तारक मेहता है सबको पसंद है, जो सबको पसंद आते हैं। और वो जो मिर्ची है वो है पोपटलाल। वो दुनिया हिला देंगे सबकी, अगर उसको ज्यादा खा लिए या ज्यादा छेड़ लिए तो पूरी दुनिया हिल जाती है, सबकी दुनिया हिल जाती है ना। उनको लिमिट में खाना पड़ता है। तो पोपटलाल जी को तो थोड़ा लिमिट में खाना पड़ता है, ऐसे बोल रहे हैं। तो अच्छे अच्छे की दुनिया गिर जाती है। तो अच्छे अच्छे की दुनिया गिर जाती है। क्या बात है। वैसे आपका टाइमिंग क्या है भैया, कितने बजे से आ जाते हो? 8 से रात के 8 बजे तक। सुबह 8 से रात के 8 बजे तक के। और कभी भी आपको यहाँ गरम और ताज़ी पापड़ी मिलेगी, फ्रेश मिलेगी यहाँ पे। जो ओरिजिनल टेस्ट है पापड़े का वो सिर्फ अपने वहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल और फ्रेश है यही मिलेगा आपको, रियल टेस्ट रियल क्वालिटी के साथ। तो भैया अगर ये वीडियो अगर जेठालाल जी देख रहे होगे तो आप उन्हें क्या बताना चाहोगे, कुछ मैसेज वगैरह? बस मिलना चाहता हूँ भैया, मतलब हर कमेंट्स में लिखता हूँ उनके उसमें कि तू मंजिल में राही हूँ, एक दिन तुमसे मिलने आऊँगा। क्या बात है, हर कमेंट्स में लिखता, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। अभी कल ही मैसेज भेजा हूँ मैंने उनको, देखो कि जब भेजा है। तो अगर कभी वो नागपुर आए तो आप मिलना चाहोगे उसे ऐसा? तो देखिए जेठालाल जी आपके चाहने वाले आपको बुला रहे हैं नागपुर फाफड़ा खाने के लिए, आपका फेवरेट। तो अभी हम तो इसे ट्राई करने जा रहे हैं। आप भी कभी अगर नागपुर में आ रहे होगे तो इतवारी सिटी पोस्ट ऑफिस के पास रामानुज फाफड़ा वाला, ये देखिए भैया और ये इनकी टी शर्ट जेठालाल वाली, आपको देख के ही समझ जाएंगे। तो इनके पास आके ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना। ये जेठालाल फाफड़ा, ये जेठालाल फाफड़ा, इसमें आ गया हींग मसाला, हींग मसाला। ये हमारी भी आ गई, ये दया भाभी, ये दया भाभी जी है जेठालाल के साथ, ये बाजू में आ गए। ये सबसे मीठे और स्वीट ये बबीता जी है, ये बबीता जी है मीठे और स्वीट। इनको भी जेठालाल के बाजू में रखते थे अपन। ये आगे आपके तारक भाई मेहता, मेहता साहब जो हर किसी को पसंद आएंगे और खाते से ही बोलेंगे सही बात है, सही बात है। और ये यहाँ वो बोलेंगे सही स्वाद है,
एक्सीडेंट में। और ये आ गई जेठालाल जी की एकदम फेवरेट चटनी, पपीता का संभारा। पपीता का बनता है? हाँ, पपीता का संभारा। साथ में आगे उनके बाजू में पोपट लाल जी, ये पोपट लाल दुनिया हिला के रख देने वाले। इसको ज़्यादा खाओगे तो अच्छे अच्छे की दुनिया हिल जाएगी, इसलिए इनको लिमिट में छेड़ा करो। ज़्यादा छेड़ोगे तो फिर हिला तो हो गया रेडी। तो भाई साहब हमारी प्लेट तो हो चुकी है रेडी, आप ये देख सकते हो। जेठा का फाफड़ा, ये है खानवी दया भाभी, और ये है मेहता साहब, और ये जो जलेबी दिख रही है ये है बबीता जी, ये जो मिर्चियाँ दिख रहे हैं ना ये है पोपट लाल, जो सबकी दुनिया हिला के रख देते हैं। तो भाई साहब अभी हम तो इसे ट्राई करने जा रहे हैं, आप अगर कभी नागपुर आए तो रामानुज फाफड़ा वाला ज़रूर आना और ये सब ट्राई करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।